रंगों का मानव जीवन में एक खास महत्व माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे रंगों को लेकर पूजा पाठ में व किस दिन कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम धर्म संस्कृति। पूजा पाठ में रंगों को काफी अहमियत दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ में सही रंगों के वस्त्रों का चयन ना करने से पूजा पूरी नहीं मानी जाती और उसका फल भी नहीं मिलता है। अब ऐसे में व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा में हमें किन रंगों के कपड़ों को पहनना है। किसी भी पूजा पाठ में कभी भी काले और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बता दें कि शनिदेव को छोड़कर किसी भी देवता की पूजा में काले रंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में चार रंगों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सफेद, लाल, पीला और हरा। इन रंगों का प्रयोग भगवान को अर्पित की जाने वाली खाद्य सामग्री से लेकर कपड़ों तक में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्यों इन चार रंगों को पूजा में इतनी मान्यता है। सबसे पहले बात करते हैं सफेद रंग की। यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से दिमाग में शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि वाणी की देवी माँ सरस्वती को सफेद रंग बेहद पसंद है। पूजा में उपयोग किया जाने वाला चावल अक्षत भी सफेद रंग का है, जो सभी देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लाल रंग की। लाल रंग का उपयोग हर शुभ काम में किया जाता है। लाल रंग को नए जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को लाल रंग की चूड़ी और साड़ी पहनने के लिए बोला जाता है। इससे उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को भी लाल रंग बेहद पसंद माना जाता है, वो भी इस रंग को धारण करती है। पीला रंग, यह एक ऐसा रंग है जिसका उपयोग तो हर तरह की पूजा में किया जाता है। यह पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है। इसको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं यह भी कहा जाता है कि जिसका गुरु कमजोर हो उसे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। ये तो था पूजा के समय कौन से रंगों के कपड़ों और पूजा में प्रयोग किए जाने वाले रंग। अब हम जान लेते हैं सप्ताह के दिनों में कौन से रंगों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि आज कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, तो यह जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके हिसाब से आप पूरे सप्ताह के वार्डरोब सजा कर रख सकते हैं। सबसे पहले सोमवार के दिन के बारे में बात करते हैं। यह दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है। यह दिन शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए जो आंखों को सुकून दे। आप इस दिन सफेद, क्रीम, हल्के गुलाबी, आसमानी और हल्के पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। मंगलवार के दिन तेज रंगों को पहनना चाहिए। इस दिन नारंगी, पीला, लाल रंग पहनने से सभी काम बनते चले जाते हैं। बुधवार, इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने का काफी महत्व माना जाता है। यह दिन गणेश जी का माना जाता है। गणेश जी को दुर्वा काफी पसंद है, इसलिए हरे रंग के कपड़े पहनना काफी फलदायी है। गुरुवार, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन पीले कपड़े के अलावा आप नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। शुक्रवार, यह दिन देवी माँ का बेहद खास दिन माना जाता है। इस दिन गहरे रंग के कपड़े पहनने से देवी माँ की कृपा होती है। शनिवार, यह दिन शनि देव का दिन माना जाता है और शनि जी को गहरे रंग काफी पसंद है। इस दिन काले, नीले, जामुनी रंग के कपड़े पहने जाते हैं। वहीं इस दिन को कई लोग शनि देव की पूजा भी करते हैं और इसके बाद काले रंग के कपड़ों का दान भी करते हैं। अब आखिरी है रविवार। यह दिन सूर्य देवता को समर्पित है। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। इस दिन सूर्य की तरह खिले हुए रंग पहनना चाहिए। इस दिन वैसे तो पीले रंग के कपड़े पहनना काफी फायदेमंद रहेगा, कई लोग तो इस दिन व्रत भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको रंगों से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार बता सकते हैं। धर्म संस्कृति से जुड़े ऐसे कई और रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।